सो हे गाइस, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष सिनेमा वर्ल्ड। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं किस टाइप से शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ और आप किस टाइप से सिनेमेटिक वीडियोस बना सकते हैं सिंपली वे में। सो इस सिंपल सी प्रोसेस के तीन रूल है, अ स्टोरी, शूट एंड एडिट। सो इस प्रोसेस की सबसे पहली जो पॉइंट है उसका नाम है द स्टोरी। स्टोरी मतलब वो कहानी आपकी जो आप अपने व्यूअर्स को सिंपली वे में बताना चाहते हो, और उस स्टोरी को और इस कहानी को अगर सिंपल वे में आप बताना चाहते हो तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ज़रूरत लगेगी आपको तो वो लगेगी आपको प्रॉपर स्क्रिप्टिंग। सो स्क्रिप्टिंग का सिंपल मतलब ये है कि आपकी जो स्टोरी है या आपने जो वीडियो बनाने वाले हो वो आपने ऑलरेडी उसकी स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है, आपको कौन सा एक्शन कहाँ पे करना है। स्क्रिप्टिंग इसलिए क्योंकि जब आप शूट कर रहे हो तो आपको क्लियर हो कि कौन सा एक्शन या कौन सा शूट आपको कहाँ पे लेना है। सो एक एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर मैं एक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ और उसके बाद में अगर मेरे पास में एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग है तो मुझे पता होगा कौन सा शॉट और कौन सा शूट मुझे कहाँ पे लेना है। सिंपली उससे तो मैं एक तो मेरा टाइम बचेगा और सेकेंडली मुझे उसमें क्लियर हुआ कि मुझे किस टाइप से वीडियो बनानी है। सो सिंपल से प्रोसेस का सेकेंड पार्ट है शूट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बड़े बड़े कैमरास यूज़ करने हैं, मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको आपके फ़ोन से भी नॉर्मल सिनेमेटिक वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हो। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं पर्सनली अगर शूट करता हूँ तो मैं अपने कैमरा या फिर फ़ोन को हायर रिजोल्यूशन पर रखता हूँ। मतलब अगर मेरा फ़ोन 1080 पिक्सल सपोर्ट करता है तो 1080 पिक्सल एंड अगर 4K सपोर्ट करता है तो 4K। उसका रीज़न ये है उससे मेरी जो वीडियो क्वालिटी वो इंक्रीज़ होगी। सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा आपके फ़ोन में नॉर्मली की स्टेबिलिटी का ऑप्शन होगा, उस पर वो इनेबल करके आप नॉर्मली एक शेकी सी वीडियो को भी बहुत प्रॉपर सिनेमेटिक लुक दे सकते हो। एंड थर्ड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली आजकल के सारे फ़ोन्स में स्लो मोशन का ऑप्शन तो आता ही है, स्लो मोशन को यूज़ करके आप नॉर्मली एक सिंपल सी वीडियो को एक क्रिएटिव और एक सिनेमेटिक लुक इजीली दे सकते हो। सो इस प्रोसेस का थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडिटिंग। अगर आप एक बिगिनर भी हो तो भी एक बेसिक से एडिटिंग करके आपकी वीडियो यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो। सो ये थी प्रोसेस कुछ सिंपल शॉर्ट फिल्म और सिनेमेटिक वीडियो बनाने के लिए। अगर आप कंप्लीट एडिटिंग बेस्ड ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं।